पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पर गिफ्ट कार्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट डिजिटल गिफ्ट कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे किसी का बर्थडे हो या फिर किसी का शादी हो या किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे, तो इसके लिए आप गिफ्ट कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखिए, अपना गिफ्ट कार्ड क्रिएट कीजिए और किसी को भी शेयर कीजिए, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, किसी को भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये हमने गिफ्ट कार्ड क्रिएट किया हुआ था, अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि गिफ्ट कार्ड को कैसे रिडीम कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड को कैसे अपने फ्लिपकार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर मिल सके। फ्रेंड्स देखिए, आप जिसको भी गिफ्ट कार्ड दिए हैं, जो ईमेल आईडी आपने डाला था, उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि यू हैव रिसीव ए फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड फ्रॉम, उसके बाद कौन भेजा है वो गिफ्ट कार्ड, उसका नाम रहेगा और किसको आपने भेजा है उसका नाम, और उसमें आप जो भी लिखे हुए हैं वो आपका यहाँ पे दिखेगा। जैसे हैप्पी बर्थडे डियर मैंने लिखा था, यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कितना रुपये का ये गिफ्ट कार्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग 25 रुपीज़ से गिफ्ट कार्ड जो है क्रिएट किया था, तो आप 25 रुपीज़ से 10,000 तक किसी को भी भेज सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 25 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो गिफ्ट कार्ड का आपको पिन दिख रहा है, वो पिन आपको यहाँ पे याद रखना है, और साथ ही वैल्यू कितना है 25 रुपीज़ का। और जो आपको गिफ्ट कार्ड कोई भी देता है ना, तो एक साल का वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी डेट भी लिखा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 अक्टूबर 2025, तो जो भी डेट है उसके अंदर में आपको रिडीम करना होगा, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। आपका 25 रुपये का गिफ्ट कार्ड रहे या 10,000 का, वो आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको वैलिडिटी डेट के अंदर में ही आपको उसे रिडीम करना होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं जो हमारा पिन है, या फिर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, जो गिफ्ट कार्ड सीरियल नंबर है वो भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा है। अभी आप यहाँ कैटेगरी वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, नीचे आप देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन है, स्क्रॉल करके आप कीजिएगा, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का फीचर मिलेगा, इस पर आपको टैप करना होगा। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, ब्रांड गिफ्ट कार्ड, कॉरपोरेट गिफ्ट कार्ड, नीचे ऐड गिफ्ट कार्ड। अब आप ऐड गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो गिफ्ट कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, और गिफ्ट कार्ड का जो पिन होगा वो इंटर करना होगा और अप्लाई कर देना होगा। देखिए यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ है, फॉर आईडी एंड पिन प्लीज़ चेक योर ईमेल। जो ईमेल आपको भेजा गया था उसी ईमेल में आपको गिफ्ट कार्ड नंबर और पिन मिलेगा। तो ये गिफ्ट कार्ड नंबर है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद ये गिफ्ट कार्ड नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर गिफ्ट कार्ड जो पिन है आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे टाइप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो, और सिंपली आपको एक बार यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, गिफ्ट कार्ड एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों इसका अमाउंट आपको कहाँ दिखेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड आप देख सकते हैं आ गया है, और यूज़ गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, और अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 25 रुपीज़। देखिए तो कुछ इस प्रकार से, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं ना, तो गिफ्ट कार्ड आप रिडीम करके इस बॉक्स पे क्लिक करके वो अमाउंट आप गिफ्ट कार्ड वाला यूज़ कर सकते हैं, और बाकी का आप यहाँ पे अलग पेमेंट मेथड को यूज़ करते हुए आप इस अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि कैसे दोस्तों बहुत ही आसानी से गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।